गाइस, दिस साइड अंजलि कुशवाहा। सो कैसे हैं आप सभी? अभी जो आप वीडियो देख रहे थे स्टार्टिंग में, ये सारे के सारे मेरे प्रोडक्ट्स हैं जो मैं अपने डे स्किन केयर में यूज़ कर रही हूँ। आप मेरी स्किन देख सकते हैं कितनी ज़्यादा प्लम्प और हाइड्रेटेड दिख रही है, और इसको मैं अप्रॉक्स 2 मंथ से यूज़ कर रही हूँ। कुछ प्रोडक्ट्स न्यू भी हैं, सो ये प्रोडक्ट्स मेरे स्किन को काफ़ी अच्छा सूट कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ। मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगी, इस समय जो मेरी स्किन थी वो एक्ने प्रोन स्किन हो गई थी, दैट्स वाई आई चोज दीज प्रोडक्ट्स। सो ये था मेरा टोनर, ग्रीन टी टोनर। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया होगा कि अगर आप लोगों को पोर्स की प्रॉब्लम रहती है, देन पोर्स मिनिमाइजेशन के लिए और स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए, रिफ्रेशिंग फील करने के लिए, यू कैन यूज़ दीज काइंड ऑफ टोनर्स। और ये जो टोनर है बेसिकली ग्लो टोनर है, ये आपके स्किन पे ग्लो भी लाएगा। तो ये टोनर की कॉस्ट मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये टोनर आता है अप्रॉक्स 250 में, लेकिन जब भी आप पर्पल से इसको बाय करेंगे तो आपको कॉस्ट हमेशा कम ही मिलेगी, आपको ज़्यादा पे नहीं करना पड़ेगा। और ये ऑल स्किन टाइप को भी सूट करता है, तो ये अच्छे टोनर्स हैं, आप लोग यूज़ कर सकते हैं, गुड वाइब्स के टोनर्स। और ये मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रही हूँ, देन आई कैन से कि ये काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, स्किन में जब भी टोनिंग करें तो ऐसा नहीं कि इनको ड्रॉप करना पड़ता है, जैसे आप इसको अपने चेहरे पे स्प्रे कर देते हैं, यू कैन लीव इट, अदरवाइज आप इसको जैसे मैं अपने स्किन पे टैप टैप कर रही हूँ और इसको अपने स्किन में जाने दें, एंड यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। देखिए जो मेरे पोर्स हैं, यस, मैं आई वॉज ट्राइंग टू शो यू दैट कि मेरे पोर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिनिमाइज हो गए हैं पहले से, और स्किन जो है वो अब हाइड्रेटेड और प्लम्पी दिखने लगी है। सो अब मैं आपको दिखाऊंगी अपने सीरम्स, जो अभी मैं सीरम्स यूज़ कर रही हूँ, आपने पहले वीडियो में देख चुके हैं। अभी मैं 2 सीरम यूज़ कर रही हूँ डे स्किन केयर में, एक है GAHA सीरम एंड नेक्स्ट इज लॉरियल का रिवाइटल लिफ्ट, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। और ये जो है, ये GAHA सीरम जो है, ये अभी रिसेंटली मैंने अपने डॉक्टर को दिखाया था, डर्मेटोलॉजिस्ट को, एंड उसने ही मुझको ये लिखा था। पता है ये स्किन पीलिंग का काम करता है एक तरीके से, और काफ़ी अच्छा है, इसने मेरी स्किन को काफ़ी ज़्यादा ग्लो दिया है, और मेरी स्किन पे जितनी भी डलनेस थी उसको काफ़ी इम्प्रूव किया है। तो ये स्किन ब्राइटनिंग का भी काम करता है, 25 ml की क्वांटिटी में आता है, त्रिकोना का है, त्रिकोना इज अ कंपनी, और काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और मैं तो इसको यूज़ कर रही हूँ 2 मंथ से, और अच्छे अमाउंट में आ जाता है यार, 2 मंथ से यूज़ करने के बाद भी अभी भी ये चल ही रहा है। और स्किन आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा टेक्स्चर मेरा अच्छा हुआ है, देन इस वजह से अगर आप लोगों को अच्छा लगे देन यू कैन यूज़ इट। अच्छा, इसके जितने लिंक हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो ये है मेरा GAHA सीरम, और इसमें ग्लाइकोलिक एसिड है और हल्यूरिक एसिड है, और विद एडेड एंटीऑक्सीडेंट्स। सो काफ़ी अच्छा है ये, और अगर मैं इसकी कॉस्ट की बात करती हूँ तो 1600 अप्रॉक्स का आता है, तो अगर किसी को ज़्यादा लगे तो आप लोग पर्पल पे जाके इसका अल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं। ये मेरा दूसरा सीरम है, ये है लॉरियल का, ये भी 1.5 हल्यूरिक एसिड सीरम है, मीन टू से 1.5% इसमें हल्यूरिक एसिड है, और ये काफ़ी अच्छा है स्किन के लिए, स्किन को प्लम्प रखता है। अच्छा, इसका टेक्सचर थोड़ा सा चिपचिपा सा है और थोड़ा सा स्टिकी है, आपके फेस पे आपको फील होगा आफ्टर अप्लाइंग इट, बट अगर आप उसके ऊपर से कोई मॉइस्चराइज़र लगा लेते हैं तो सही हो जाता है, और स्किन को काफ़ी अच्छा टेक्सचर देता है ये भी। तो मैं यूज़ कर रही हूँ, इसको यूज़ करते हुए अप्रॉक्स मुझे लगता है 15 डेज हुए होंगे, 30 ml की क्वांटिटी में आता है, और इसकी जो कॉस्ट है अप्रॉक्स 800 something थी, 899, बट ये मुझे मिला था 749 का, और इसको मैंने अमेज़ॉन से बाय किया था। आप लोग देख सकते हैं कितनी जल्दी स्किन पे ना ग्लो आता है इसको अप्लाई करने के बाद, रियली यार बहुत अच्छा लगता है, देखो खुद देख सकते हो, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है यार। यस, सुपर्ब यार,
सो नेक्स्ट आता है मेरा हाइड्रोवो का मॉइस्चराइज़र, और ये हाइड्रोवो का मॉइस्चराइज़र भी मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट ने ही लिखा था। स्किन रिन्यूइंग का काम करता है, इसका टेक्सचर आप देख सकते हो बहुत लाइट वेट है, 50 ग्राम की क्वांटिटी में आता है, ठीक है। जितना कम से कम अप्लाई करोगे स्किन पे अच्छे से स्प्रेड हो जाता है। इंडिया बुल्स का प्रोडक्ट है ये और मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, इसको स्टोर करना पड़ता है 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। तो आप नॉर्मल अपने रूम टेम्परेचर में इसको रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसको फ्रिज में रखें। और काफ़ी अच्छा स्किन को ग्लो देता है, आपके स्किन को एक तरीके से बहुत ज़्यादा ब्राइटर करता है, यू कैन से। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं तो आज से 2 महीने पहले जो मेरी स्किन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, बट नाउ इट्स लुकिंग, मुझे खुद भी अच्छा लगता है यार। सो इसी वजह से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग मेरे अपने हैं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। बता देना चाहूँगी, लॉन्ग लास्टिंग है, लाइट वेट है, मल्टी फंक्शनल है, पैराबिन फ्री है, सो बहुत अच्छा है। तो चाहिए तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं, इसका लिंक मैं शेयर कर दूँगी। अब आती है ये मेरी डे क्रीम, ये मेरी डे क्रीम है जो कि सेफ्रॉन है इसमें, और ये गुड वाइब्स की है और बहुत अच्छा नरिश करती है स्किन को। अगर आप लोग चाहोगे ना तो मैं इन सबका अलग से एक रिव्यू बना दूंगी, अगर आप लोगों को रिव्यू चाहिए सो यू कैन कमेंट, ओके। ये भी पैराबीन फ्री है, और अगर मैं इसकी कॉस्ट की बात करती हूँ तो 375 रुपीज़ की आती है, ये 100 ग्राम्स की है, यस 100 ग्राम की है। और इसका टेक्सचर यार बहुत अच्छा है, स्किन पे इतने अच्छे से स्प्रेड होती है ना ये, मतलब ऐसा लगता है कि कोई क्रीम उठा के, लाइक दूध की क्रीम होती है ना, उट्स काइंड ऑफ कि उसको उठा के और बस अपने स्किन पे लगा लिया, बहुत ही अच्छा लगता है और स्किन को इतना ज़्यादा स्मूथ कर देती है। अगर आप उसको लगाने के बाद अपनी स्किन को छू के देखिए, इट्स फील वेरी ऑसम यार, मुझे तो, मैं तो इसकी फ़ैन हो चुकी हूँ। गुड वाइब्स की क्रीम है ये, तो आप लोग purple.com से जाके ले सकते हैं, लिंक मैं शेयर कर दूँगी जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। देख लो यार, बहुत मेहनत करी है मैंने अपनी स्किन पे, सो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरा लिप बाम है, अभी दिखाती हूँ इसके रिव्यूज़ भी, उससे पहले हम देखते हैं हमारी सनस्क्रीम। ये सनस्क्रीम तो आप लोगों ने मेरे पास पहले से ही देखी होगी, लैक्मे की सन एक्सपर्ट क्रीम है ये, SPF 50++++ में आती है, अल्ट्रा मैटिक जेल है ये, ठीक है। सबसे अच्छी बात, ऑल स्किन टाइप है और डर्मेटोलॉजिस्टली टेस्टेड है, तो बहुत ही अच्छी है। और इसकी जो कॉस्ट है ये 499 की है, बट किसी ना किसी ऑफर में, अच्छी खासी ऑफर में आपको मिल जाएगी कम कॉस्ट पे। सर्च करते रहा करो यार ऑनलाइन, अच्छा रहता है। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं यार, थोड़े से ही अमाउंट में इसको लगाना होता है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा लगाओ, ठीक है। और स्किन को हमेशा यूवी रेस से बचा के रखने के लिए इसको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं कि बाहर ही जाओ तो लगाओ, घर में भी रहो तो इसको लगा सकते हो। अब मैं बात करती हूँ अपने लिप बाम की, तो मेरा लिप बाम है बायोटिक का बायोफ्रूट वाइटनिंग लिप बाम, यार बहुत अच्छा लिप बाम है, अभी 3-4 दिन पहले से ही यूज़ कर रही हूँ। उससे पहले मैं लिप बाम यूज़ कर रही थी अपना हिमालय का, 30 रुपीज़ का जो आता है। यार देखो, कोई भी लिप बाम यूज़ करो, लिप बाम आपके स्किन को, सॉरी आपके लिप को प्लम्प करने के लिए कोई ना कोई आपके पास लिप बाम तो होना ही चाहिए। सो दिस टाइम आई चूज दिस वन, और ये है इसका अप्रॉक्स 12 ग्राम का, आपका आप इसका देख सकते हो टेक्सचर कैसा है। और ना इसकी अगर मैं कॉस्ट की बात करती हूँ तो 175 का है, लेकिन यार मुझे मिला ये 112 रुपये में। मैं आपको बता देती हूँ, मैंने मंगाया था इसको ब्लिंकिट से, और ब्लिंकिट भी आजकल, लाइक आप लोग जानते हो यार, ग्रोफर आजकल ब्लिंकिट में चेंज हो चुका है, तो यार 5 मिनट में अपने घर पे फटाफट सब आ जाता है। तो मैंने अपनी स्किन और अपने लिप्स को अच्छे से प्लम्प कर लिया है, और अब देखो प्रेपिंग अच्छे से हो चुकी है, तो अब आप बताइए कि कैसी लग रही है स्किन। देन हम अप्लाई करेंगे अपनी लिपस्टिक्स, और लिपस्टिक तो आपको पता ही है कि मुझे कितनी पसंद है। देन मेरी लिपस्टिक है NYBA की लिक्विड लिपस्टिक,
और ये लिपस्टिक मुझे लगता है आप लोग मेरे पास एक साल से तो देख ही रहे होंगे यार, कहीं जाना आना होता नहीं है तो देन ज़्यादा यूज़ भी नहीं होती है, बट मुझे अच्छी लगती है। इसका टेक्सचर भी बहुत ज़्यादा क्रीमी है और यार लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब एक बार आप लगा लोगे तो ऐसा नहीं कि ये जल्दी से ट्रांसफ़र होगी कहीं पे या छूट जाएगी, काफ़ी देर तक आपके लिप्स पे रहती है। और मैं बताना चाहूँगी अगर आपको इसका शेड पसंद आता है तो मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी यार, वहाँ से आप ले लेना। अच्छा, ये मैं आपको अपने कुछ न्यू मेंबर से मिला रही हूँ, तो बताइएगा ये कैसा लगा। सो ये थी मेरी फाइनल स्किन, थैंक यू सो मच।